मी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं शुभम, आपकी किस प्रकार सहायता करा सकता हूँ? सर गेटअप्स में प्राइस लिस्ट में ईयरफोन क्यों नहीं आ रहा है? किसमें सर? गेटअप्स के प्राइस लिस्ट में ईयरफोन क्यों नहीं आ रहा है? 3 दिन हो गया सर आया नहीं। जी सर, मैं निश्चिंत रहे, मैं आपकी पूरी तरह सहायता कराऊंगा। जैसे कि मैं समझ पाया, आपको ईयरफोन्स चाहिए जो हमारे स्टॉक है उसमें सर, गेटअप के। सर उसमें ईयरफोन शो नहीं हो रहा, बाकी प्रोडक्ट तो शो कर रहे हैं जैसे पहले थे, ईयरफोन क्यों नहीं शो कर रहा है? 3 दिन हो गए सर, को लगा कि कोई आपकी तरफ से टेक्निकल इशू होगा जो कि हमेशा होता रहता है, तो हम इसीलिए उतना कुछ किए नहीं, फिर मतलब देखे कि चलो अच्छा हो जाएगा। अगर तीनों स्टॉक चेक करे थे क्या सर? तीनों स्टॉक चेक करे थे आपने? तीनों मतलब सर कब कब? जो 11 वाला स्टॉक होता है, 3 वाला होता है, 6 वाला। सर आपको पता भी है सर 11 वाला कोई स्टॉक नहीं होता है, 10 AM होता है और 3 PM होता है। सर मैं वही कह रहा हूँ, जो 11 से 11 वाला स्टॉक होता है उसमें, हाँ। और आपने 3 बजे वाला स्टॉक चेक किया था? सर उसमें भी चेक किया था और सर सब में चेक मतलब और बाकी टाइमिंग भी चेक किया, एक हफ्ते से बाकी टाइमिंग भी चेक किया हूँ, लेकिन कहीं नहीं मतलब कभी मिला नहीं। परसों ही हमने फोन किया था सीसी मतलब कस्टमर आप ही किया, तो उन्होंने बताया था कि आपके आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी गई है, 24 घंटे में कॉल आएगी। तो हमने बोला था कि कॉल आती है तो उठ नहीं पाती, तो फिर बोला चलो अच्छा कोई बात नहीं, 24 घंटे में थी, यहाँ 48 घंटे हो गए, एक भी बार कॉल नहीं आई। 48 घंटे से ज्यादा हो गए, मतलब 54 घंटे हो गए लगभग। सर एक मिनट समझ लीजिए, आपको एक कंप्लेंट नंबर मिला होगा, बताएंगे सर? कुछ नहीं मिला है, कंप्लेंट नंबर नहीं दिया गया था सर, कुछ नहीं दिया गया है, खाली वो हमको लग रहा है बाहर से बोल दिए, हो गया कुछ किए नहीं है। जी सर कोई बात नहीं, निश्चिंत रहे, मैं आपको पूरी तरह सहायता कराऊंगा आपको इस चीज के ऊपर। जी सर। सर जैसा कि मैं देख पाया हूँ, जैसे कि आपकी कंप्लेंट है, तो हमारे बैकएंड टीम ने इन्फॉर्म करा कि टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो काउंटर उसमें थोड़ा एरर आ रहा था। उन्होंने ये लिखा है कि आपको आपका जो गेटअप का अकाउंट है ना, उसका पासवर्ड चेंज करना है सर। वो भी प्रॉब्लम था जी, और वो तो हो ही नहीं रहा है। जब मान लीजिए वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो आपसे हो नहीं रहा, फिर देख रहे हैं कि इधर ईयरफोन का स्टॉक हटा दे रहे हैं आप लोग। सर वो हम लोग नहीं हटाते हैं, वो डिपेंड करता है स्टॉक अवेलेबिलिटी। सर आप ही लोग की टीम है ना? जी हमारी ही टीम है, बट वो स्टॉक अवेलेबिलिटी नाम की भी सर एक चीज होती है, अगर स्टॉक अवेलेबल है तभी उसकी चीज की सहायता। जी सर आप जैसा बोले स्टॉक अवेलेबल है तो MI स्टोर पे तो है स्टॉक? जी सर क्या होता है, गेटअप एक अलग प्लेटफॉर्म है, MI स्टोर एक अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों चीजें इकट्ठी। जैसे आप यहाँ पे गेम्स प्ले करके कूपन इकट्ठे करते हैं, उनका स्टॉक अलग बनता है, इनका स्टॉक सर थोड़ा अलग बनता है। सर कूपन तो वहीं रिफ्लेक्ट होता है ना? सर वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अगर आपको कूपन मिलता है ना, वो भी वो सिर्फ गेटअप में ही चलता है सर। सर कूपन उसमें लिखता है उसी में रिफ्लेक्ट होता है कि आप क्लेम MI स्टोर से ही कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो वहीं से खरीदना है ना? सर me.com की बात कर रहा हूँ। हाँ तो हम भी सर वहीं स्टोर और me.com बहुत अलग अलग, दो मी और me.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मी स्टोर एक ऐप है जो आप यूज करते हैं, और जो आप गेटअप यूज करते हैं वो भी एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसमें आप गेम खेल करते हो, कॉइन इकट्ठे करते हो, रिडेम करते हो, कूपन बनाते हो, कूपन को उसको आप भी यूज कर सकते हो बाय करने के लिए, प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ठीक है सर, अब आप जैसे कर आप कौन से ईयरफोन तो सर चाहते हैं सर उससे? तो सर कूपन को बाय कर सकते हैं, तो कहाँ पे रिडीम करेंगे आप बताइए तो? सर गेटअप में ही रिडीम होते हैं। हाँ रिडीम हो जाता है, तो क्लेम कहाँ से करेंगे? आपका पावर बैंक का कूपन रिडीम हो गया, हाँ तो क्लेम कहाँ पे करेंगे? क्लेम भी सर वो गेटअप में ही होता है। कहाँ से गेटअप में करेंगे सर? गेटअप में कोई है ये नहीं है। जैसे ही वो स्टॉक में आएगा, जैसे ही वो स्टॉक में आता है, आपको बस उस पे बाय करना होता है, वो आपका बुक हो जाता है सर। ऐसे थोड़ी होता है सर, आप कभी किए हैं सर? ये बताइए पहले। जी सर कब किए हैं? सर मैं भी मी का ही ग्राहक हूँ, मैं भी मी ही यूज। सर हम जानते हैं सर, आप कब किए हमें भी बताइए, हम भी जाने। जी सर मैंने भी ऐसे ही करा है। मैंने सर कब किए हैं, डेट बताइए ना, डेट बताइए ना, आप अपनी बात से मुकर क्यों कर रहे हैं? हाँ तो लास्ट टाइम कब किए हैं? जी लास्ट टाइम इस चीज को सर 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो गए। क्या मंगाया था आपने?
मेरे ईयरफोन देसी के आए थे सर, कूपन जो मिलता है ना, आप कूपन जो मिलता है गेट अप से भी रिडीम कर सकते हैं। सर देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि कुछ गेट अप से रिडीम रिडीम सर गेट अप से ही होता है। 11 वाला स्टॉक आता है ना, आप वहाँ पे रिडीम कर सकते हो, शाम को 3 वाले पे भी रिडीम कर सकते हो। सर रिडीम गेट अप से ही होता है, हम ये बोल रहे हैं स्टॉक अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्टॉक आएगा सर, देखिए स्टॉक आएगा 10 बजे तो हम रिडीम करेंगे, रिडीम कर लेंगे सर उसको, मतलब अपने एड्रेस पे ऑर्डर करेंगे तो सर एमआई स्टोर से ही ना ऑर्डर करेंगे कि कहीं और से ऑर्डर करेंगे, डिफरेंस होता है। वेब से ही ऑर्डर होगा, आपको किसने बता दिया, आप कभी किए ही नहीं है। अरे हम लोग डेली करते हैं, मतलब डेली नहीं मजा, मतलब कि हमारे फ्रेंड्स हैं सब करते हैं, कूपन रिसेप्ट होता है हमारे स्टोर में तो वहाँ से हम लोग ऑर्डर करेंगे, कोई भी ट्रिमर हो गया और ईयरफोन हो गया, पावर बैंक हो गया, बहुत सी चीजें हो गई, एमआई बैंड हो गया। तो मैं एमआई के जो गेटअप की स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि आप कूपन को स्टॉक में भी लगा सकते हैं। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कूपन को स्टॉक में बाय कर सकते हैं। नो स्टॉक की बात कर, हाँ हम वही बोल रहे हैं सर कि गेटअप और 3 वाला स्टॉक, हाँ आप वहाँ पे बाय करते हैं, उसका इंटरफेस बन के आ जाता है, आप उसको बाय करते हैं सर। वो हम किसके थ्रू होता है, रिडीम सर, रिडीम तो हम लोग गेटअप में करते हैं, लेकिन अगर हमें मान लीजिए हम रिडीम कर लिए तो ऑर्डर कैसे करेंगे ये बताइए आप। तो मान लीजिए हम रिडीम कर लिए, मान लीजिए हमारे बोलिए कूपन आपने रिडीम करा, हाँ सर गेटअप रिडीम कर लिया, सुबह 11 बजे आप लॉगिन करें, ठीक है, आपको देखा कि स्टॉक में अवेलेबिलिटी है, आपने अप्लाई कर दिया, उसका एक इंटरफेस आगे बन के आता है। कैसा इंटरफेस सर? कर सकते हो जैसे कि आप जिसमें आप एड्रेस डालते हो, डिटेल्स डालते हो, वो चीज सर। तो सर वो गेटअप में ही एड्रेस डालना होता है? हाँ जी हाँ जी, गेटअप में एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है जब हमारा स्टॉक अवेलेबल हो, वरना आप उस कूपन को तो बहुत नई बात, हमेशा पावर बैंक के लिए 20,300 कॉइन चाहिए होते हैं। सर आप नए मतलब 30,300 कॉइन, 20,300 पावर बैंक। सर आप सही बोल रहे हैं, डाटा चेक कर सकते हैं, 22,500 है अभी, गेटअप खोलिए, ओपन करिए, देखिए 22,500 है सर। प्राइस वेरिएंट नाम की जो चीज होती है, मैं 10,000 mAh वाले की बात कर रहा हूँ सर, हम भी 25,000 mAh वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप भी देखिए ना एक बार, 20,000 का हमारा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है सर। सर एक बार आप वो खोलिए, गेटर्स खोलिए, उसमें कूपन कॉइन मतलब पावर बैंक के लिए जो कॉइन होता है 22,500 एक बार खोल के देखिए, अगर आपके पास होगा MI ब्रांड तो। सर हम लाइन पे बने, आप चेक करके बताइए। सर मैं यहाँ पे हमारे सिस्टम पे मैं उसको एक्सेस नहीं करता, वो मोबाइल की बात कर रहे हैं सर, मैं हम मोबाइल के अंदर यूज नहीं कर सकते सर। अरे सर अभी लास्ट टाइम कस्टमर केयर ने हमने उनसे कहा था ये फोन नहीं है, तो उन्होंने चेक करके बताया कि हाँ नहीं है, सही बोल रहे हैं आप। किससे बात हुई सर आपकी लास्ट टाइम? सर अब नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन हम टाइमिंग बता सकते हैं। टाइमिंग बता दीजिए, वेट सर। पर जैसे कि सर आपकी जो कंप्लेंट थी उसके हिसाब से जैसा मैं देख पाया हूँ, उन्होंने ये कहा है कि आप एक बार अपनी ऐप की जो एप्लीकेशन है ना उसका पासवर्ड रीसेट करके, मतलब पासवर्ड बदल के एक बार अप्लाई करके देखिएगा कि स्टॉक्स अवेलेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर अवेलेबल नहीं आएंगे तो उसका स्क्रीन शॉट लेके आपको हमारी जो मेल है ना, 7 अगस्त 5:23 PM की बात है कि हमने उनसे बात किया था, वो बोले थे कि हाँ हम आपके गए ना, 9 या 11 मिनट ऐसे ही कुछ हुई थी जी। हाँ आपने कॉइन्स को कैसे रिडीम करना है उसके बारे में पूछा था? नहीं सर, हमने हमारी तो प्रॉब्लम बहुत सी थी तो उसको हम तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम सोचे कि तो नया प्रॉब्लम है तो हम पूछे, तो यही पूछे कि ईयरफोन सर प्राइस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम भी देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बोला, कहा था कि कंप्लेंट रेज कराई है लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब कोई कॉल नहीं आया। नहीं सर आपकी कंप्लेंट तो रेज हुई है, मैं हाँ, कंप्लेंट तो चेक कर पा रहा हूँ, यही कुछ रिप्लाई है, उन्होंने बोला कि चार यही लिखा है कि अगर कस्टमर का कॉल आए तो आप उनको ये गाइड करेंगे कि उनको आपके गेट ऐप का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड चेंज करना है, फिर ट्राई करना है अगले स्टॉक पे, आपको ट्राई करके देखना है ईयरफोन का। अब जब अगर वो नहीं आते हैं ना स्टॉक में तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस चीज का, स्क्रीनशॉट लेके हमारी जो मेल आईडी है, कौन सी मेल आईडी, service.in@xiaomi.com, हाँ इस पे हमने भेज दिया और MIS फीडबैक पे भी भेज दिया है, उसी दिन भेज दिया है।
कुछ हुआ नहीं है। पासवर्ड बदलने के बाद सर? हाँ सब भेज दिया, पासवर्ड बदलने के बाद भी भेज दिया, क्लियर कैसे के बाद भी भेज दिया, फोन रिस्टार्ट करने के बाद भी भेज दिया, मतलब रिस्टार्ट करने के बाद भी किया, सब कुछ नहीं हुआ। कोई भी कुछ कोई सहायता नहीं आ रही सर उस चीज पर? कोई सहायता ही नहीं आ रही है। आप भी अपडेट नहीं है? अगर आप चाहें तो मैं अपने सीनियर से एक बार पूछ सकता हूँ अगर वो। हाँ सर, आप सीनियर से पूछिए। नहीं सर, आप उनको सीनियर से बात करा दीजिए। जी धन्यवाद सर। सर लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जी आप लाइन पे हैं सर? जी सर बोलिए। जी सर, जैसा कि मैं चेक कर पाया हूँ अभी हमारे सीनियर अवेलेबल नहीं है सर, ड्यू टू कोविड-19। ठीक है सर, उनकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। सर मैं पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक बार सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि एक बार आपको दोबारा चेंज करके रीसेट करके एक बार दोबारा आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा सर। अच्छा कल? जी। और आज तो आपको शायद कॉल इसलिए नहीं आया होगा सर, आपकी 7 तारीख को कंप्लेंट रेज हुई थी ना? हाँ। 8 को सर आपकी कंप्लेंट बनी होगी, 24 घंटे लगते हैं, आज संडे है इसीलिए आपको शायद कॉल नहीं आया, आप कल के दिन की वेट कर लीजिए। अच्छा, और ईयरफोन वाले की क्या बात कहेंगे आप? ईयरफोन अभी स्टॉक में नहीं आ रहा सर, हम मैंने भी उस चीज पे फॉलो अप लिया है अभी। ठीक है सर, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि अभी उसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। आप एक बार अपने अकाउंट का दोबारा पासवर्ड बदल के देखिएगा, चेंज करके देखिएगा और फिर चेक करिएगा। सर हम ईयरफोन का पूछ रहे हैं, आप पासवर्ड की बता रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पासवर्ड चेंज करके एक बार दोबारा चेक करिएगा स्टॉक ईयरफोन का। ये कौन से मतलब कि मांग रहे हैं आप? हम दे रहे हैं टेक्निकल, आपके अकाउंट में थोड़ी टेक्निकल सर, हमारे अकाउंट में नहीं सब, तो इसका मतलब सर सबके अकाउंट में टेक्निकल प्रॉब्लम, सबके में नहीं आ रही है। सर आप एक और सर एक चीज और डिपेंड करती है गेटर, बताइए अपडेट के थ्रू गेटर पे एक चीज और डिपेंड करती है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी स्पीड वाली यूज कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 MB की स्पीड जाएगी सर। अरे सर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड है ना सर आपके पास? जी सर। जी तो सर आप एक बार ना अपने एक बार अपना कनेक्शन चेंज करके पासवर्ड चेंज करके एक बार सुबह आप दोबारा ट्राई करिएगा सर, वरना कल तो आपको हमारी बैकएंड टीम की तरफ से सर कॉल आ ही जाएगा। सर इस समय सीनियर से बात नहीं हो पाएगी? नहीं सर इस समय सीनियर अवेलेबल नहीं है सर। तो आप सर इतना गलत क्यों बताते हैं? गलत क्या बताया सर मैंने आपको? सर आपने गलत बोला है, बहुत चीज गलत बोला है कि सर ये आपने बोला कि हमको ऑर्डर गेटर से करना होगा, एड्रेस गेटर से में ही डालना पड़ता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। और दूसरी बात बता दें, नेक्स्ट बात बताएं। आप बोले हैं कि ईयरफोन के लिए 20,300 कॉइन्स चाहिए। ईयरफोन की बात नहीं कर रहा था सर मैं, अरे पावर बैंक के लिए। हाँ आपके, अच्छा उसी हिसाब से आपने ईयरफोन के लिए कितना कॉइन कलेक्ट किया था सर? जी ईयरफोन के लिए ना सर? हाँ ईयरफोन के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं पावर बैंक की बात कर रहा। अच्छा पावर बैंक 20,300 कॉइन में? जी जब वो अवेलेबिलिटी थी तो उसके लिए 20,300 कॉइन थे और उसका जो फ्लक्चुएशन है वो चलती रहती है महीने दर महीने, वो हमेशा हर महीने चेंज हो जाती है सर। अच्छा जी, और अगर जैसे ही आपको नया अपडेट आएगा ना सर गेट ऐप का, उसमें फिर आप वेरिएंट में फ्लक्चुएशन देखेंगे। तो सर इस समय भी 20,300 कॉइन्स के लिए है? किसके लिए सर? पावर बैंक के लिए। जी सही समय भी मतलब 20,300? जी जब वो 5,000 mAh वाला स्टॉक में आया था तो 5,000 mAh सर हम तो कभी देखे नहीं, 10,000 mAh टू आई देखे। हमारे MI में 5,000 mAh का भी एक पावर बैंक आता है जो 699 रुपए कुछ का है सर। अच्छा जी सर, सही जानकारी सर आपको मिलता कहाँ से है? विनोद देता है क्या? नहीं सर कस्टमर हैं कुछ। अच्छा नहीं सर इतना गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कराते हैं ना, क्या बताया जाए। आप खुद ही अपडेट नहीं है, दूसरे को क्या अपडेट करेंगे? रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा।